गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई एम गुड़िया फ्रॉम सनबीम कॉन्वेंट स्कूल बक्सर। टुडे आई विल टीच ईवीएस फॉर क्लास 1। नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट चैप्टर 5। दिस इज योर फिफ्थ चैप्टर एंड योर चैप्टर नेम इज होम स्वीट होम। व्हाट इज होम? घर क्या है? होम इज अ हाउस वेयर यू लिव विथ योर फैमिली। घर एक ऐसा घर है जहाँ आप अपने परिवार के साथ रहते हैं। एवरी वन नीड्स अ प्लेस टू लिव। सभी को रहने के लिए जगह चाहिए, उन्हें सभी को रहने के लिए जगह की जरूरत होती है। आवर होम प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम हीट, कोल्ड, विंड, रेन, वाइल्ड एनिमल्स एंड थीव्स। जो हमारा घर जो होता है हमें प्रोटेक्ट करता है किस चीज से? हीट, कोल्ड, विंड, रेन, वाइल्ड एनिमल्स एंड थीव्स। हीट मीन्स गर्म, कोल्ड मीन्स ठंडा, विंड मीन्स हवा, रेन बरसात, जंगली जानवर और चोरों से हमारा घर हमें प्रोटेक्ट करता है, बचाता है। वी फील सेफ इनसाइड आवर होम। हम अपने घर के अंदर सुरक्षित महसूस करते हैं। मेनी ईयर्स एगो अर्ली ह्यूमन बींग्स लिव्ड इन केव्स एंड ट्री टॉप्स, बट नाउ वी बिल्ड सो मेनी डिफरेंट काइंड ऑफ हाउसेज। कई साल पहले प्रारंभिक मानव गुफाओं में रहते थे या पेड़ों में, चिड़ियों में रहते थे, लेकिन अब हम बहुत सारे विभिन्न प्रकार के घरों का निर्माण कर चुके हैं या करते हैं। कच्चा हाउस एंड पक्का हाउस। देयर आर टू काइंड ऑफ हाउस, कच्चा हाउस एंड पक्का हाउस। दो प्रकार के घर होते हैं, एक को कच्चा हाउस कहते हैं और दूसरे को पक्का हाउस। अ कच्चा हाउस इज मेड अप ऑफ मड, स्ट्रॉ, बम्बू एंड लीव्स। एक कच्चा घर मिट्टी, पुआल, बम्बू और पत्तियों से बना होता है। सच हाउसेज आर यूजुअली फाउंड इन विलेज। इस प्रकार के घर अधिकतर गांव में पाए जाते हैं। अ पक्का हाउस इज मेड अप ऑफ ब्रिक्स, आयरन, रोड, सीमेंट, स्टील एंड वुड। पक्का घर ईंटों, लोहे, छड़ों, सीमेंट, स्टील और लकड़ी से बना होता है। दीज हाउसेज आर मोस्टली फाउंड इन सिटीज एंड टाउन। इस प्रकार के घर अधिकांशतः गांवों, शहर में या नगरों में पाए जाते हैं। लुक एट योर हाउस एंड आइडेंटिफाई द डिफरेंट पार्ट्स सच एज वॉल्स, रूफ, फ्लोर, गैरेज, विंडोज, डोर्स एंड रूम्स। डिफरेंट रूम्स इन अ हाउस। अ हाउस हैज डिफरेंट रूम्स। एवरी रूम हैज इट्स ऑन पर्पस। घरों में अलग अलग कमरे होते हैं। वन हैज इट्स ऑन पर्पस। हर कमरे का अपना उद्देश्य होता है। ड्राइंग रूम। दिस इज द प्लेस वेयर वी सीट एंड टॉक विथ आवर फैमिली मेंबर्स एंड वॉच टेलीविजन। दिस इज द प्लेस वेयर वी सीट। ये वो जगह है जहां हम बैठते हैं, अपने फैमिली मेंबर के साथ बात करते हैं और टेलीविजन देखते हैं। वी मीट आवर गेस्ट टू इन द ड्राइंग रूम। और हम अपने गेस्ट से, जो हमारे यहाँ मेहमान आते हैं, गेस्ट मीन्स मेहमान, उनसे हम ड्राइंग रूम में ही मिलते हैं। डाइनिंग रूम। हियर वी ईट आवर मील्स। यहाँ हम अपना भोजन करते हैं। बेडरूम। दिस इज बेडरूम। हियर वी टेक रेस्ट एंड स्लीप। यहाँ हम आराम करते हैं और सोते हैं। किचन। दिस इज किचन। This is where food is cooked and stored. यह वह जगह है जहाँ भोजन पकाया जाता है और स्टोर करके, यानी संग्रहित करके रखा जाता है, संग्रहित किया जाता है। बाथरूम। We take bath and brush our teeth in the bathroom. बाथरूम किसे कहते हैं? जहाँ हम नहाते हैं, अपने दांतों का ब्रश करते हैं, उसे बाथरूम कहते हैं। हम बाथरूम में ही नहाते हैं और ब्रश करते हैं। स्टडी रूम। सम हाउसेज हैव अ सेपरेट स्टडी रूम वेयर वन कैन स्टडी और डू द ऑफिस वर्क। कुछ घरों में एक अलग अध्ययन कक्ष यानी स्टडी रूम होते हैं जहां कोई कार्यालय का काम या वहां पढ़ाई किया जा सकता है। स्टोर रूम। दिस इज स्टोर रूम। सम हाउसेज हैव अ स्टोर रूम टू स्टोर ऑल द एक्स्ट्रा थिंग्स। कुछ घरों में सभी अतिरिक्त चीजों को संग्रहित करने के लिए एक स्टोर रूम होता है जहाँ पे हम सभी अतिरिक्त चीजों को स्टोर करके, यानी वहाँ रख सकते हैं, उसे स्टोर रूम कहते हैं।
हियर आर सम स्पेशल काइंड्स ऑफ हाउसेस. कारवन, अ कारवन इज अ हाउस ऑन व्हील्स. इग्लू, एन इग्लू इज अ हाउस मेड ऑफ ब्लॉक्स ऑफ आइस. एक इग्लू बर्फ के ब्लॉकों से बना एक घर है. इट इज बिल्ड इन वेरी कोल्ड प्लेसेज वेयर द स्नो नेवर मेल्ट्स. यह बहुत ठंडी जगह है पर बनाया गया है जहां बर्फ कभी पिघलती नहीं है. हाउस बोट, अ हाउस बोट इज अ हाउस ऑन अ स्मॉल रिवर और अ लेक. टेंट हाउस, अ टेंट हाउस इज मेड ऑफ अ थिक क्लोथ कॉल्ड कैनवास. इट कैन बी फोल्डेड एंड कैरीड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. एक तंबू घर एक मोटे कपड़े से बना होता है जिसे कैनवास कहा जाता है. इट कैन बी फोल्डेड एंड कैरीड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. इसे मोड़कर एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया जा सकता है. सो दिस वॉज योर फिफ्थ चैप्टर अबाउट फिफ्थ चैप्टर होम स्वीट होम. सो वॉट एवर आई टॉट यू टूडे यू हैव टू प्रिपेयर एट होम. थैंक यू.